अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक। होपफुली ठीक ठाक होंगे। और मैं नहीं ठीक, मैं काश थोड़ा सा चेंज कर दें भी, मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दाढ़ में बहुत ज़्यादा सारा पेन। और मैं जब परसों अम्मी के घर गई थी ना, तो वहाँ से मैं चली गई थी डेंटल के पास, और वहाँ से फिर भी उसने मुझे दी थी मेडिसिन। तो ऐसा ट्रीटमेंट किया था जो कि बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं किया था। मैंने उसे फिर रिमूव किया ड्रेसिंग को। और यहाँ पे जी आज हम हमेशा की तरह ढीठ इंसान तैयार हो रहे हैं। अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ मैं पार्क। और पता है क्या, जितनी मर्जी मदर्स बीमार हो जाएं, लेकिन जहाँ पे बच्चों की बात आती है ना, वहाँ पे आके आप इंसान बेबस हो जाता है। और मैं भी ऐसी ही हूँ कि मुझे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो मुझे जाना पड़ता है उनके साथ। तो यहाँ पे जी संडे था एज यू ऑल नोज, तो बच्चों को तो होता है कि मम्मा हमें क्यों बाहर ले जाएं। और वैसे तो इनके पेपर्स होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगेन ये होता है कि इन्हें होता है एक संडे जो है ना मम्मा जी, वो थोड़ी देर बाहर गुजारे हम। तो मैं अपनी सिस्टर, अपनी भाभी, सबके साथ हम लोग चले गए थे जी पार्क। यहाँ पे ये छोटी सी महमल है हमारी, इसे हम निकने में हूर कहते हैं, और वैसे ये महमल सरफराज। ओके, तो ये जी अब देखें, बड़ा वाला पीकॉक, ये सबसे बड़ा है। और ये इतने पर फैला देता है। और ये शाल तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कितनी कितनी देर खड़ी रहती है कि मम्मा बस यही देखने हैं। और बाकी जो बच्चे हैं वो अपना खेल रहे थे। और फिर मेरी सिस्टर को, भाभी को और हम सबको लगी थोड़ी सी भूख, हल्की फुल्की भूख। तो जी हम घर से लेके गए थे किन्नू, और यहाँ पे पता नहीं किन्नू माल्टो फ्रूटर जो भी इसे कहते हैं, अच्छा वो लेके गए थे। और साथ में बिरयानी लेके गए थे, बन आई थी कहीं से ना हमारे घर पे, तो वही हम ले गए थे। और साथ में चिप्स और जूसेस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, ये जो शॉपिंग है ना, ये है जी लास्ट विजिट जो मैंने पैकेजेस मॉल किया था सफ़ायर से। मैं लेके आई थी मेरी शाल की शर्ट, मुझे बहुत अच्छी सी रीज़नेबल 450 रुपीज़ में मिली थी, तो मैंने वो ले ली थी। तो यहाँ पे यह साहब को लिए मैं ना, मुझे ये तकरीबन 800 में सूट पड़ गया था। ये 4 समथिंग की ये शर्ट आई थी, इसमें 500 की ये शर्ट आई थी, और 600 की ये आ गई थी शॉर्ट्स। तो मैंने जी ये एक सूट ले लिया था, ईद के लिए नहीं लिया बस वैसे ही, क्योंकि अब जैसे ही मौसम चेंज होना है ना, तो देखना कि एकदम इतने कपड़े छोटे भी हो जाने हैं, वैसे भी ना आपको कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर होने चाहिए ऐसे ही, जब भी कभी विजिट होता है मेरा, बेशक एक शर्ट भी हो मुझे अच्छी लगे तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग पुराने वाले व्यूवर्स ही हैं, तो फिर मैंने आपको बताया कि मैं सफ़ायर से ही आई एस आपके लिए लाई हूँ एक कुर्ता। तो जी ये कुर्ता है बहुत प्यारा, इसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी थी, और ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। और याहिया को तो असल में चाहिए था वेस्ट कोट वाला सूट ना प्रॉपर, तो वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरा बजट इतना होता ही नहीं है कि मैं बच्चों के इतने महंगे कपड़े लूँ। मिलती तो हर चीज़ है, क्यों नहीं मिलती, लेकिन मेरे बजट के अकॉर्डिंग नहीं मिलती। तो जी अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो हंटिंग की थी, तो शुक्र अल्लाह मुझे उस प्राइस में कुर्ता बहुत अच्छा मिल गया था। तो काफ़ी अच्छी इसकी डिटेलिंग है, और इसका जो कलर यहाँ पे शोर है वो नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छे, इतनी सस्ती जितने के प्याज मिल रहे हैं ना आजकल, ये इतनी सस्ती स्वेटर मुझे मिली थी, मैंने ये भी ले लिया आयशा के लिए। चलें जी, अब मैं कहती हूँ अल्लाह हाफिज़। मेरा व्लॉग हो चुका है एंड, और मैंने जो परचेज़ किया वो और जो किया कल, वो सब आपके साथ शेयर कर दिया है। होपफुली वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो काइंडली से लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब ना किया करें यार ऐसा, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।